सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, सम्माननीय पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में पधार चुके हैं। मेरा सभी से विनम्र आग्रह, नेतृत्व से आग्रह कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम शुभारंभ करें। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, नड्डा जी को जय श्री राम, भारत माता की। तो
मेरा हम सबका परम सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की दृष्टि से हमारे प्रभारी परम सदे माननीय अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी का सम्माननीय मेरा विनम्र आग्रह रहेगा स्थानीय विधायक बड़े भाई सुभाष ठाकुर जी से तालियां बजती रहे। अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा चौल टोपी देकर सम्मानित करें। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी के चीफ स्पीकर सम्मानित करें। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं थे नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ एक एम्स का और हाइड्रोजन सम्मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले दिन से परंपरा का निर्वहन करने हैं। तो अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा भारतीय जनता पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सदे श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को मंत्री बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी का आप सभी का भी यहां पधारने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरा खड़े होकर सामूहिक वंदे मातरम का सर पीएन साहब बिलासपुर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला बिलासपुर आ रहे हैं और हजारों की तादाद में यहाँ ऐतिहासिक जनसभा भी होगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का उद्घाटन करके भी जो लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से बना है हिमाचल की जनता को समर्पित करेंगे और बहुत सारे शिलान्यास उद्घाटन भी होंगे। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और लगातार हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना आशीर्वाद दिया है। हिमाचल की जनता भी उनका पलके बिछाकर स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। बिलासपुर की इस पावन धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जब आगमन होगा तो गूंज नारों से लेकर उनका जो स्वागत होगा मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। सभा भी ऐतिहासिक होगी और जब प्रधानमंत्री जी अपने दूसरे घर आ ही रहे हैं तो जनता भी बहुत इंतजार कर रही है और उनका स्वागत अभिनंदन है। सर आज बीजेपी मीटिंग है कुछ उसको बताएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी
प्रधानमंत्री जी की रैली को लेकर और कार्यकर्ताओं से वैसे भी संवाद करते हुए जिला ऊना, जिला हमीरपुर और अब जिला बिलासपुर में बैठकें ले रहे हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बैठक लेते हैं तो अपने आप में बहुत महत्व रखता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि भाजपा में ही है जहां कार्यकर्ताओं को इतना मान सम्मान मिलता है, और इसीलिए आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जहां एक और भारतीय जनता पार्टी बनी है। हमारे लिए गर्व की बात है कि नड्डा जी हमारे ही हिमाचल